अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं देखा सब खैरियत से होंगे। आज मैं बताऊंगा कि इस तरह की एडिटिंग आप किस तरह कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग जिस तरह आप स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसके लिए सबसे पहले अपने करना है कि अपनी पिक को लाइट रूम में इंपोर्ट करना है। वहाँ हमने ओपन करने के बाद सबसे पहले जी क्या करना है, यहाँ देखिए आ जाना है। यहाँ से आने पर लाइट पर जाना है, यहाँ से एक्सप्लोर थोड़ा बढ़ा देना है इसको, जिस तरह आप एडजस्ट करना चाहें वाइट को, यहाँ से इसे एडजस्ट करते हैं। आप अच्छी तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज़ कर देता हूँ और हाईलाइट्स को थोड़ा सा नीचे आकर हाईलाइट्स को भी इस तरह हमने इंक्रीज डिक्रीज कर देना, जिस तरह आपको अच्छे लगे वहाँ इस तरह आपने एडजस्ट कर देना। या देखें जी कंट्रास्ट को बढ़ा देने से मेरे ख्याल में अच्छी होगी दोस्तों। इस तरह से कुछ अच्छी तरह से पहले इसकी लाइट को हमने एडजस्ट कर देना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। इसलिए आप देखते जाएँ इस तरह, यह देखें यहाँ आपने इस तरह इस हिसाब से पहले से एडजस्ट की। इसके बाद अपने कलर पर जाना है, मिक्स पर, मिक्स के बाद फर्स्ट कलर पर क्लिक करना है, इस कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देना। सेकेंड पर क्लिक करने के बाद इसकी भी आपने एडजस्टमेंट कर लेना, कॉन्ट्रास्ट वगैरह जिस तरह आप अच्छी तरह करना चाहें। ये देखें जिसकी सेचुरेशन को बढ़ा देते हैं फर्स्ट के सेकंड कलर की, और थर्ड कलर भी सेचुरेशन को बढ़ा देते हैं, और फोर्थ कलर की भी सेचुरेशन को फुल कर देते हैं जी, और फिफ्थ कलर की सेचुरेशन को कम कर देते हैं ताकि कुछ अच्छा इफेक्ट पता हो, और सेवन्थ कलर की भी इस तरह हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जिस तरह एडजस्टमेंट करते जा रहे हो आप, इस तरह स्टेप बाई स्टेप करते जाएँ, आपको आसानी से ये देख समझ में आ जाएगा। ऐसा हो जाने के बाद इसको अपने ऊपर से डन कर देना चाहिए। डन कर देने के बाद अपने इसको शेयर कर देना है टू जी, कहाँ शेयर करना चाहिए, टूल विद एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टूल विद जाने के बाद अपने यहाँ इफेक्ट पर जाना है, इफेक्ट पर आने के बाद अपने सॉफ्ट स्मोक पर जाना है। सॉफ्ट स्मोक जाने के बाद आपको फिफ्थ वाली यह चूज़ कर लेनी है, और इसे चूज़ करने ऊपर मार्क्स पर जाना है, इसके ऊपर मार्क्स पर जाकर जी यहाँ इसे क्लीन कर देना है। क्लीन करके इसे अपने इसके बालों पर अप्लाई कर देना ताकि आपके बालों में कुछ ऐसा अच्छी तरह का इफेक्ट पैदा हो जाए। देखें इस तरह का आपके बालों में ये ऑयल पैंट की तरह का कुछ इफेक्ट्स पैदा हो जाएगा जी, आपके बाल पैंट हो जाएंगे ऑयल की तरह, और बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट पैदा होगा। तो हम इस तरह जी जल्दी जल्दी इसके सारे बालों पर लगा देते हैं इस ब्रश को, इसके सारा इसके अप्लाई करना है जी, इसके हर हर हिस्से पर कोई हिस्सा भी इसका वो रहना चाहिए। इसके बाद हमने सब इस करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे आप अप्लाई कर देने के बाद ऊपर वाले ऑप्शन यदि आपको टिकट यहाँ से क्लिक कर देना है, यहाँ क्लिक कर देने के बाद आपके पास कोई इस तरह सेव हो जाएगी। सेव हो जाने के बाद आपने इस फोटो को जी PicsArt में ये इम्पोर्ट कर देना। सबसे पहले इस फोटो को ये PicsArt खोलनी था, PicsArt में आने का सबसे पहले एडिट इमेज पर आना है। एडिट में आने पर अपने सबसे पहले यहाँ से ऐड फोटो कर देना जी, ऐड फोटो अपने वही वाली फ़ोटो ऐड कर देनी है इसमें जी, जो मैंने पहले एडिट की हुई है इसे हमने यहाँ से ऐड कर देनी है। यहाँ ऐड कर देने के बाद ये अपने नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद जिससे हमने सबसे पहले एडिट किया था इसकी ओरिजिनल पिक को हमने सबसे यहाँ पिक कर लेनी है। ये रही हमारी ओरिजिनल पिक, यहाँ से भी हमने यहाँ से इसे ऐड कर लेंगे जी। यहाँ इस पर क्लिक कर देने बाद से ऊपर से ऐड कर देना है, ऐड जैसे हम करेंगे इस तरह कुछ हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमने इसे ऊपर कर देना, नीचे वाले वीडियो को पिक को यहाँ से इसे एडजस्ट कर देना है यहाँ से जी। इसे एडजस्ट कर देने के बाद ये ऊपर वाली वीडियो पिक को हमने इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर वाले को भी इसके बराबर इसे बिल्कुल इक्वल लेवल पर मैंने इसे एडजस्ट कर देनी है जी। कोई भी इसके ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से एडजस्ट ऊपर कर लेनी है। ये देखें जिससे इस तरह एडजस्ट हमने कर लेनी है। एडजस्ट कर देने के बाद हमने क्या करना है, जो ऑप्शन इधर आएगा जो ऊपर ऊपर इरेज का, ऊपर ऊपर देखें ब्रश का ऊपर नजर, यहाँ आने के बाद अपने इसे इरेज कर, जिस तरह पे इरेज कर देंगे कुछ आपके पास इस तरह का ये देखें इफेक्ट पैदा होगा। यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ अपने दाढ़ी की एडिटिंग करनी है, अपने 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 हेयर स्टाइल मतलब कि अपनी दाढ़ी के एडिटिंग करनी है। तो इसलिए हमने यहाँ से इसकी एडिटिंग कर लेंगे। मैं जिस तरह यहाँ से इसको इरेज अप्लाई यहाँ से रिस्टोर अगर करना चाहिए रिस्टोर भी इस तरह कर सकते हैं। मैं जिस तरह आप कर रहा हूँ आप यहाँ से देखते जाएं जी, इस तरह जहाँ जहाँ आपने इसकी दाढ़ी रखना चाहते हैं यहाँ से अपनी इरेज कर देना है, और इसे अच्छी तरह यहाँ से एडजस्ट कर देना है, और इसे सारी अपने जो गर्दन वगैरह पर यहाँ से अपने इसे इरेज कर देना है। गर्दन वगैरह पर यहाँ वाइडनेस आप इंक्रीज़ कर जाते हैं, वहाँ से आप इसे इंक्रीज या देखें जिस तरह मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से स्टेप बाई स्टेप करते जाएँ। यह देखें कुछ इस तरह का आपके पास इफेक्ट आता जाएगा जी, जिस तरह ये मैं करता जा रहा हूँ। इसकी बहुत अच्छी है, आप किस तरह अपनी दाढ़ी वगैरह एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत इजी ट्रिक है ये, मैंने खुद से अप्लाई की है और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आप इस तरह बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बहुत अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद हमने यहाँ से ऊपर वाले निशान से जी ओके कर देना, ओके कर देने के बाद इसे हमने शेयर कर देना जी atuodisk में। आप एक अप्लीकेशन है atuodisk के आने बाद आपने क्या करना चाहिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, atuodisk में शेयर कर देना है। यहाँ
थंब्स पे लाने के बाद अपने क्या करना है, आपको ऊपर थर्ड नंबर पर राइट साइड पर देखें एक ऑप्शन मिले, यहाँ क्लिक कर दें, यही वाला अपने ब्रश चूज कर लें, इसकी सेटिंग पर जाना, इसकी सेटिंग इस तरह एडजस्ट कर लें जिस तरह अपनी सेटिंग इस तरह एडजस्ट हुई है। तो जैसे एडजस्ट कर देने के बाद जी ओके कर देना, ओके कर देना, बस इसके फेस पर अप्लाई कर देना, बालों पर अप्लाई नहीं करना, सारे इसके फेस पर सिर्फ अप्लाई करना है। और देखें कुछ इस तरह हमारे पास इफेक्ट हो जाएगा, आपके फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और ये बालों का पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ से सारा आपने जो भी अपने जहाँ जहाँ से अपने से अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये भी आपको एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो इसको भी आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो जो एप्लीकेशन के आप यहाँ मैंने अप्लाई की है आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अगर आपके पास नहीं है तो। जी जी हाँ, एडजस्ट करने के बाद कुछ इस तरह हमारे पास फोटो एडिट हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, यार अच्छी लगे तो यार लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बान।